हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर करेक्टर सेट की। तो कंप्यूटर करेक्टर सेट मतलब कि कंप्यूटर में कौन से करेक्टर यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो 10 की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। और बाइनरी फॉर्म में जब डाटा स्टोर होता है तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, क्योंकि अगर उसको स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे तो कोई कोई फॉर्मेट यूज़ करेगा और कोई पर्सन कोई फॉर्मेट यूज़ करेगा। तो हमें ये मालूम है कि कोई भी करेक्टर है, अगर हम किसी भी करेक्टर की बात करें तो कोई भी करेक्टर, चाहे ए बी सी डी हो गया, स्पेशल सिंबल हो गया, डिजिट्स हो गए, कोई भी करेक्टर कंप्यूटर के अंदर कैसे स्टोर होता है, एज ए बाइट, एज ए बाइट। और बाइट क्या होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप ऑफ, क्या होता है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। ये तो पढ़ा है ना हम लोगों ने, ठीक। अब 8 बिट्स जब यहाँ पे है तो हमें मालूम है कि अगर हमारे पास 8 बिट है तो वो टोटल कितने डिफरेंट पैटर्न जनरेट कर सकते हैं, कितने डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 मतलब आपका हो गया 256, यानी 8 बिट से हम 256 डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको अगर 0 से लें तो 0 से लेकर 255 करेक्टर्स जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8 बिट से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं या करेक्टर स्टोर करते हैं उसके जनरली 2 स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। एक तो होता है ASCII, ASCII, दिस इज कॉल्ड ASCII कोड, इसको ASCII कोड भी बोलते हैं या ASCII करेक्टर सेट कह लीजिए, ठीक। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको आप चाहे तो याद भी रखिएगा अपने ऑब्जेक्टिव कंपटीशन के हिसाब से, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक। एक तो ये ASCII करेक्टर सेट यूज किया जाता है, क्लियर। और दूसरा जो है, दूसरा है EBCDIC। और जनरली ये जो करेक्टर सेट है वो जनरली यूज होता है किस पे, मोस्ट ऑफ द मिनी कंप्यूटर्स पे। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं वो भी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप देख लीजिए। एंड पर्सनल कंप्यूटर्स पे, ये भी, ये सारी कंप्यूटर के बारे में सारी डिटेल लेक्चर्स आपके अवेलेबल हैं चैनल पे, दूसरे वाले चैनल पे। उसका मैं, आप एक काम कीजिएगा, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा तो कंप्यूटर साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। तो मिनी कंप्यूटर्स पे और पर्सनल कंप्यूटर्स पे, ठीक। उसके बाद एक दूसरे तरह का जो करेक्टर सेट होता है उसको बोलते हैं EBCDIC, EBCDIC, ठीक है। ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, इंटरचेंज कोड, डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक। तो ये हो गया आपका ASCII कोड, यानी ASCII कैरेक्टर सेट, जिसमें जिसका क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो अभी हम लोग चलते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा होता है EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक। ये फुल फॉर्म आप अपने कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप कंपटीशन जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये पूछ लिया जाता है, ठीक। तो ये दो करेक्टर सेट मेनली यूज होते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, ASCII करेक्टर सेट से, ठीक है, इसे पहले वाले से। नाउ वी स्टार्ट विद ASCII करेक्टर सेट, ठीक। ASCII करेक्टर सेट में क्या होता है कि इसमें जनरली जो 8 बिट होते हैं, ठीक है, उसमें 8 बिट में, देखिए 8 बिट हम लोगों को यूज करना है ना, तो इसमें जैसे मान लीजिए आपने कहा कि से सपोज कीजिए कोई हमने आपको बिट दिया 0100 1000, ये एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा रहे हैं।
तो इसमें जो पहला बिट होता है ये तो रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी, कैटेगरी कैटेगरी मतलब कि जो हमारा करेक्टर है वो क्या है, वो अल्फाबेट है, ठीक, अल्फाबेट में भी है तो स्मॉल अल्फाबेट है या कैपिटल अल्फाबेट है, ठीक, या आपका डिजिट्स हैं 0 से 9 तक के डिजिट हैं, या स्पेशल सिंबल हैं जैसे डॉलर हो गया, एट द रेट हो गया, हैश हो गया, मतलब ये, तो पहला डिजिट तो ये शो करता है, ठीक, और बाकी के 7 डिजिट जो है उस कैटेगरी में, उस कैटेगरी में उस पर्टिकुलर करेक्टर की पोजीशन शो करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अभी तो ये हुआ थ्योरी, अभी आपको नहीं क्लियर हुआ होगा, अब आप आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो ऐसे कह रहा है कि जैसे सॉरी, इसमें आप ऐसे शुरू कीजिए कि करेक्टर 32 to 127, ठीक है, ये करेक्टर्स अगर हम डिस्कस करें, करेक्टर्स ऑफ आस्की करेक्टर सेट के, अगर हम 32 से 127 करेक्टर्स की बात करें आस्की करेक्टर सेट में, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज है, मोस्ट कॉमनली यूज क्योंकि इसी के अंदर आपके लेटर्स भी आ जाएंगे ए बी सी डी भी, और आपके नंबर्स भी आ जाएंगे 0 से आपके 9 तक, और स्पेशल करेक्टर भी आ जाएंगे, स्पेशल करेक्टर जैसे डॉलर साइन हो गया, ये तो इसी इसी रेंज में ये सब कुछ आ जाता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि करेक्टर 0 through 31 आर प्राइमरली एज कंट्रोल करेक्टर, ठीक है, तो हमने 32 से इसलिए लिया है कि 32 से 127 तक तो ये करेक्टर शो होते हैं, और 0 से 31 तक जो होते हैं वो होते हैं कंट्रोल करेक्टर, कंट्रोल करेक्टर्स, फिर 32 से 127 तक ये शो होते हैं, ठीक है, और उसके बाद 127, तो ये आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं 32 से 127 तक ये आ गए लेटर, नंबर्स और स्पेशल करेक्टर, ठीक। अब उसके बाद बचा 128 से लेकर और आपका 255 तक, ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं अदर स्पेशल करेक्टर, अदर स्पेशल करेक्टर। अब अदर स्पेशल करेक्टर में जैसे आपका फॉरेन करेंसी के सिंबल हो गए, ठीक है, फॉरेन करेंसी, अब फॉरेन करेंसी तो मतलब ये होगा कि इतने भाई ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी करेंसीज चलती हैं, अगर आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको फिर वो करेक्टर चाहिए होगा ना। फिर उसके बाद जो ग्रीक लेटर होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, उसके बाद बॉक्स ड्राइंग करेक्टर जो होते हैं, बॉक्स ड्राइंग करेक्टर वो इस ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह 0 से 256 करेक्टर जो डिस्प्ले किए जाते हैं आस्की सेट में, वो ऐसे ग्रुपिंग किए गए कि 0 से 31 तक कंट्रोल करेक्टर, 32 से 127 तक ये हम लोगों के नॉर्मल यूजर के लिए जो पता होने चाहिए वो करेक्टर, और फिर 128 से 256 फिर स्पेशल करेक्टर, ठीक है। अब जैसे कुछ अगर हम आपको मान लीजिए एग्जाम्पल दे के समझाना चाहें कि कौन से करेक्टर का क्या होता है, तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिख दे रहा हूँ, बाकी है कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए आस्की करेक्टर सेट क्या होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें डेसिमल हेक्स, फिर करेक्टर आ गया, फिर डेसिमल हेक्स, जैसे अब हमने कहा कि से सपोज कीजिए, हमने कहा कि डेसिमल में 32 है, ठीक है, अब डेसिमल को अगर आप मान लीजिए ये तो हो गया इसका, या मैं आपको अलग से टेबल बनाता हूँ तो क्लियर होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, आइए यहाँ पे, ठीक। अब मान लीजिए सपोज कीजिए किसी करेक्टर को हम डेसिमल वैल्यू उसकी लिख रहे हैं, उसी की हेक्सा डेसिमल वैल्यू लिख रहे हैं, और वो क्या करेक्टर शो करेगा ऐसे समझ लीजिए, ठीक। अब जैसे 32 है तो 32 हेक्सा में आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, हेक्सा डेसिमल में ही हो जाएगा 20, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, वो सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, वो सब अवेलेबल है चैनल पे, आप देख लीजिएगा।
अब ये जो 32 है ये किसको शो करता है, किस कैरेक्टर को? ये शो करता है स्पेस को, यानी कीबोर्ड पे जब हम स्पेस बार दबाते हैं ना, स्पेस वाली की दबाते हैं, तो कंप्यूटर के पास यही डेटा फीड होता है, 32, 32 को बाइनरी में कर लीजिएगा तो वो स्पेस दे देता है। उसके बाद हमने कहा कि से 31, सॉरी 33, ये हो गया हेक्साडेसिमल में 21। जब आप ये क्या शो करता है, इस करेक्टर को, एक्सक्लेमेटरी साइन को। तो ये है इसका ASCII करेक्टर सेट का एग्जाम्पल। क्लियर हुआ आपको? जैसे और मान लीजिए हम रैंडमली ले लेते हैं, सपोज कीजिए हमने कहा कि करेक्टर ई लिया, हमने कहा वैल्यू दी आपको 69, हेक्साडेसिमल में हो गया 45। ये क्या शो करता है, ये कैपिटल लेटर ई शो करता है, समझ रहे हैं? अब इसमें देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि अभी जो हम डेसिमल में लिख रहे हैं तो कंप्यूटर तो ये लैंग्वेज नहीं समझता, 10 की फॉर्म समझता है, तो 32 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 32 कितना आएगा भाई? पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, 1, 2, 4, 8, 16 और 32, यानी बाइनरी में ये आ जाएगा आपका 1000000, यही आएगा ना? यस। तो जब आप, और करना क्या है हमको, ये 8 बिट करना है ना इसको, और यहाँ पे कितने, 3, 3, 6 है, तो ये हो जाएगा 1000000, 10 आप यहाँ बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, 4, 3, 7। और एक जो पहला बिट होगा, सपोज कीजिए स्पेशल करेक्टर को शो करने के लिए कोई भी बिट यूज हो रहा है, मान लीजिए 1, तो ये पहला बिट 1 हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी करेक्टर को हम ASCII करेक्टर सेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और इससे ज़्यादा डीप में या उसमें आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ASCII करेक्टर सेट क्या होते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? अब आप आ जाइए नेक्स्ट, जो हम लोगों का दूसरा था वो क्या था, EBCDIC करेक्टर सेट, ठीक है? EBCDIC करेक्टर सेट में क्या होता है कि जब भी हम कोई करेक्टर रिप्रेजेंट, चलिए हम लोग बात करते हैं EBCDIC करेक्टर सेट की। तो इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें जो 255 करेक्टर होते हैं, ठीक है, इसमें जो 255 करेक्टर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसमें, और जनरली ये करेक्टर सेट का किस पे यूज़ होता है ये ध्यान रखिएगा, IBM की, IBM आपको मालूम है कंप्यूटर की बहुत बड़ी कंपनी है, IBM के जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, इसकी भी वीडियो अवेलेबल है आप देख लीजिएगा। तो IBM मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं उस पे EBCDIC करेक्टर सेट यूज किए जाते हैं, ठीक। और इसमें जनरली क्या होता है कि भाई 0 से अगर हम लोग 255 की बात करेंगे तो जो अपर हाफ होता है, मतलब 128 से 255 तक, और इधर हो गया आपका 0 से 127 तक, ठीक है? तो ये जो अपर हाफ होता है इसमें हमारे जो नॉर्मल यूजर के यूज करने वाले लेटर और नंबर्स वो सब इसमें रिप्रेजेंट होते हैं। तो अगर जैसे हम मान लीजिए इसका भी आपको हम एक समरी बनाना चाहें कि कैसे करेक्टर सेट डिफाइन होते हैं इसके अंदर, तो फिर से आप यहाँ पे वही इसकी डेसिमल वैल्यू लिखिए, हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखिए, और कौन सा करेक्टर रिप्रेजेंट होगा इससे वो आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आप डेसिमल वैल्यू लीजिए 64, तो 64 हेक्सा में हो जाएगा 40, ये रिप्रेजेंट करता है वही ब्लैंक स्पेस को, ब्लैंक स्पेस, ठीक। उसके बाद 129 से लेकर और 137 तक, ये आपका यहाँ पे आप कन्वर्ट करोगे तो आएगा 81 से 89, 81 से 89 तक, ठीक। ये रिप्रेजेंट होते हैं आपके ए से आई तक, मतलब स्मॉल लेटर जो होते हैं ना, ए बी सी डी से लेकर कहाँ तक, आई तक। फिर आप आगे चलिए 145 से 153 तक, 145 से 153 तक, ये हो गया आपका 91 से 99।
ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके आई, यहाँ तक हो गया था। अब जे से, जे के एल, ये जे से लेकर कहाँ तक जाता है, आर तक, ठीक। उसके बाद 162, 162 से 169 तक हेक्साडेसिमल में हो जाएगा। ए टू से, जिसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, आप में से किसी को कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है, या प्लेलिस्ट में चले जाइएगा कंप्यूटर साइंस वाले, उसमें आपको मिल जाएगी। तो इसमें क्या होगा, ये दिखाता है एस से जेड तक, अभी सब स्मॉल चल रहा है। अब 193 से 201 तक, 193 से 201, ये आपका जब आप हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करोगे C1 से हो जाएगा C9 तक। ये रिप्रेजेंट करता है कैपिटल लेटर में, ए बी सी डी से कहाँ तक, आई तक। फिर 209 से, 209 से 217, ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल D1 से D9 तक, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेगा जे से, जे के एल, ये कैपिटल लेटर्स में कहाँ तक, आर तक, ठीक है। उसके बाद 226 से 233 तक, ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल में E2 से E9 तक। ये रिप्रेजेंट करेगा एस टी यू वी अप टू जेड, ठीक है। और बचे डिजिट्स, तो 240 से लेकर 249 तक, 240 से 249 तक, यानी यहाँ पे आप आ जाइए तो F0 से और F9 तक, ठीक। ये डिजिट्स रिप्रेजेंट होते हैं 0, 1, 2 अप टू 9। तो जो नॉर्मल यूज़ होने वाले लेटर्स और डिजिट्स हैं वो मैंने आपको ABCDIC करेक्टर सेट में बता दिया कि किस रेंज में आते हैं और उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ABCDIC करेक्टर सेट। अब इसमें कुछ चीजें जो होती हैं कि वो आपको क्लियर होने चाहिए कि IBM मेन फ्रेम सपोर्ट्स द फॉलोइंग डेटा, जो IBM की जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, IBM मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक, ये कौन कौन से फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं, कैरेक्टर स्टोर डाटा एंड कैरेक्टर फॉर्मेट यूजिंग, एक तो ये ABCDIC का, अभी जो मैंने पूरे डिटेल में आपको पढ़ाया, ABCDIC फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इस फॉर्मेट को ये सपोर्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है कि ये सेकेंडली बाइनरी फॉर्मेट को भी सपोर्ट करते हैं, बाइनरी नंबर्स को। थर्ड क्या है, पैक्ड डेसिमल, ये जो है पैक्ड डेसिमल, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है IBM मेन फ्रेम पे। और चौथा क्या है आपका, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, वो तो अभी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की भी वीडियो अभी मैंने कल ही परसों में पढ़ाई है, वो भी आप दे सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी ये एक्सेप्ट करते हैं। और जनरली IEEE फॉर्मेट में, IEEE फॉर्मेट में। और तो कोई चीज़ ज़्यादा इसमें टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है या कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि सर और एलोबरेट करके बता दीजिए और उसको डिटेल में बता दीजिए, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट मेंशन कीजिएगा, मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।